Hello children, how are you all? I am Anisha Jain and today we are going to learn about the system of numeration. There are two types of system of numeration. One is called Bharatiya Ganna Pranali. Ye jyadatar hum India mein use karte hain. And other one is International System of Numeration. Jo out of India, mostly sab jagah International System of Numeration use hota hai. To do type of system of numeration ke baare mein aaj hum janenge. As you can see, द हेडिंग जब भी हम सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में जब प्लेस वैल्यू के बारे में पता करते हैं वी ऑलवेज स्टार्ट रीडिंग इट फ्रॉम योर राइट हैंड साइड. जब हम लिखते हैं तो हम लेफ्ट हैंड साइड से लिखते हैं बट व्हेन वी आर डूइंग द प्लेस वैल्यू ऑफ द नंबर्स वी ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द राइट हैंड साइड. सो फर्स्ट वन इज इकाई, नेक्स्ट इज ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख एंड 10,00,000. दिस इज द भारतीय गणना प्रणाली. नाउ सपोज आई हैव टू राइट अ नंबर, मेरे पास एक नंबर है 586217. ओके, नाउ हाउ विल आई राइट दिस नंबर अकॉर्डिंग टू भारतीय गणना प्रणाली. सो वंस जो सबसे पहला नंबर है राइट हैंड साइड में दैट इज 7. सो आई विल पुट 7 ओवर इन द इकाईज प्लेस. 1 विल बी इन द ढाई प्लेस, 2 will be in sekra's place, then again 6 we have in hazar ki jagah pe 6 aayega, uske baad 8 hai wo 10,000 ki jagah pe aayega aur lakh ki jagah pe aa jayega 5. So in this way we have to place the values. Okay, now ab hum isko read kaise karenge. Ab hum isko read karenge from the left hand side. बट उसके लिए क्या है, हमारे पास जैसे इकाई, ढाई और सैकड़ा है, ये तीनों का एक ग्रुप होता है. दिस इज वन ग्रुप जिसे हम इकाई का ग्रुप कहते हैं. 10,000 और हजार का एक ग्रुप होता है, इसे हम हजार का ग्रुप कहते हैं. 10,00,000, लाख का जो ग्रुप होता है इसे हम कहते हैं लाख का ग्रुप. 10,00,000 और लाख के जो ग्रुप होता है उसे हम लाख का ग्रुप. जब 10,00,000 और लाख के नीचे जो भी नंबर है, सपोज यहाँ पे मैंने एक और नंबर लिख देती हूँ 2. ओके, सो 10,00,000 और लाख के बीच नीचे है 2 और 5. तो इसको जब हम पढ़ेंगे तो हम 2,5 को क्या पढ़ते हैं, 25 या 25. इन इंग्लिश वी कॉल इट 25 बट इन हिंदी वी कॉल इट 25. सो 25 और ये कौन सा ग्रुप है, लाख. सो वी विल राइट 25,00,000. नेक्स्ट हजार के ग्रुप के नीचे देखो, 10,000 के नीचे 8 है, हजार के नीचे 6 है. ओके, सो ये पूरा जो ग्रुप है किसका है, हजार का. सो वी विल रीड 86,000 या फिर हम 86 को हिंदी में कहते हैं 86,000. तो ये हो गया, ये वाला जो ग्रुप है ये हो गया 25,00,000 बिकॉज दिस इज अंडर द ग्रुप ऑफ लाख. 10,00,000 और लाख का एक ग्रुप होता है जिसे हम लाख बोलते हैं. तो इसके अंडर में जो भी नंबर आएंगे उसे हम टोटल पढ़ के उसके बाद उसके जिस ग्रुप के अंडर आया है उसका नाम लिखेंगे. सो दिस विल बी 25,00,000, दिस इज 86,000 और ये पूरा एक ग्रुप है जिसे हम एक साथ पढ़ेंगे 217 यानी 217. ओके, ये तीन का एक ग्रुप होता है, फिर दो का. इस तरह से भारतीय गणना प्रणाली में चलता है, जिसे हम इस ग्रुप को हम डिवाइड करते हैं बाय यूजिंग कॉमास. इसे हम एक एक कॉमा लगा देंगे तो ये नंबर को हम इस तरह से डिवाइड कर देते हैं. ओके, तो 25 का एक ग्रुप हो गया, 86 का एक ग्रुप हो गया एंड 217 का एक ग्रुप हो गया. जब हम इसे नंबर नेम को पढ़ेंगे हिंदी में भारतीय गणना प्रणाली में से पढ़ेंगे, 25,86,000 217. तो जब भी आपको भारतीय गणना प्रणाली में पीरियड्स बनाने के लिए बोला जाएगा या कॉमास लगाने बोला जाएगा तो फर्स्ट 3 नंबर्स के बाद कॉमा लगता है, उसके बाद एवरी 2 नंबर्स पे कॉमा लगता है. ये कॉमा आपको बताता है कि ये कौन से ग्रुप के अंडर में है. पहला ग्रुप जो होता है वो इकाई का होता है, दूसरा ग्रुप हजार का, तीसरा ग्रुप लाख का, इसके बाद इस तरह से चलते रहते हैं. ओके, सो दिस इज व्हाट वी डू इन भारतीय गणना प्रणाली. नाउ व्हाट इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होता है, हमारे सबसे पहला जो नंबर होता है वो यूनिट्स, देन टेन्स, देन हंड्रेड, देन कम्स 1,000, 10,000, 100,000 एंड मिलियन. यहाँ पे आप देख सकते हैं भारतीय गणना प्रणाली और इंटरनेशनल सिस्टम में आप देख सकते हैं हजार या 10,000 तक
इंटरनेशनल सिस्टम और भारतीय गणना प्रणाली एक जैसी चलता है। 10,000 तक भारतीय गणना प्रणाली इंटरनेशनल सिस्टम एक जैसा चलता है, बट जैसे ही 100,000 होता है भारतीय गणना प्रणाली में हम उसे लाख कहते हैं और मिलियन को हम 10 लाख कहते हैं। सो ये हमारे यहाँ से हमारा इंटरनेशनल सिस्टम और भारतीय गणना प्रणाली में डिफरेंस आने लग जाता है। ओके, यहाँ जैसे हम भारतीय गणना प्रणाली में देख चुके हैं कि पहले 3 नंबर का एक ग्रुप होता है, फिर दो, पर इंटरनेशनल में क्या होता है, पहले 3 नंबर, फिर 3 नंबर, फिर 3 नंबर, तीन तीन का ग्रुप्स बनता है इसमें। ओके, जो ये फर्स्ट ग्रुप है 100, 10 और यूनिट्स, इसे हम वंस का ग्रुप कहते हैं या यूनिट्स का ग्रुप भी कह सकते हैं, और ये जो 3 नंबर आएंगे इसे हम थाउजेंड्स का ग्रुप कहते हैं, ये होता है थाउजेंड्स का ग्रुप। इसके बाद जो 3 नंबर आएंगे वो मिलियंस का ग्रुप होता है। नो सपोज हमारे पास अगेन नंबर है 2586217, जो इस नंबर को हमने पहले लिया था उसी का एग्जाम्पल दे रही हूँ। 7 विल बिकम अंडर यूनिट्स ग्रुप, 1 विल कम्स अंडर टेंथ ग्रुप, 2 विल कम्स अंडर हंड्रेड्स, देन 6 विल कम अंडर थाउजेंड, 8 विल कम अंडर 10,000, 5 विल कम अंडर 100,000 एंड 2 विल कम अंडर मिलियन। तो इसका जो हम पार्टीशन करते हैं ग्रुप्स का, इसका 3-3 का पार्टीशन होता है, यहाँ 3 नंबर, अगेन 3 नंबर। ओके, नाउ हम इसका नंबर नेम कैसे लिखेंगे, 2 इज अंडर मिलियंस ग्रुप, 2 जो है वो मिलियन के ग्रुप में, तो हम यहाँ लिखेंगे 2 मिलियन। नाउ 586,000 के ग्रुप में, तो 586 को हम कैसे पढ़ेंगे, 586, 586,000, 586,000, एंड दिस इज अंडर वंस ग्रुप, सो इसको हम पढ़ेंगे 217, 217। सो द फुल नेम, नंबर नेम अंडर इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन विल बी 2,586,000, 586,000, 217 ones, 217 ones, हम लिखते नहीं है, ओनली 217 लिखेंगे। ओके, सो दिस इज व्हाट द सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन टिल मिलियंस, इसे आपको ध्यान रखना है। भारतीय गणना प्रणाली में जब भी हम ग्रुप बनाते हैं तो फर्स्ट 3 नंबर्स, देन 2 2 नंबर्स। इंटरनेशनल में जब हम ग्रुप बनाते हैं तो फर्स्ट 3 नंबर्स, अगेन 3 नंबर्स एंड अगेन 3 नंबर्स, इट विल गो ऑन लाइक दिस। ओके, सो जब भी हमको नंबर नेम लिखना होगा तो हमको देखना है कि वो नंबर कौन से ग्रुप के अंडर में है। भारतीय गणना प्रणाली में जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, 2 और 5 जो है वो लाख के ग्रुप में है, 8 और 6 जो है वो हजार के ग्रुप में है, और 217 जो है वो इकाई के ग्रुप में। तो हम इसे पढ़ते हैं 25,86,217। इसी तरह से इंटरनेशनल में जब हम देखते हैं तो 2 जो है वो मिलियन के ग्रुप में, 586 क्योंकि 3 डिजिट्स होते हैं इसमें, 586 तीनों थाउजेंड्स के ग्रुप में है, और 217 जो है वो वंस के ग्रुप में है। इसे हम रीड करेंगे 2,586,217। आई थिंक नाउ द टॉपिक इज क्लियर टू यू। जब भी हम नंबर्स वगैरह लिखें तो प्रॉपरली उसकी प्लेस के अंडर में लिखें, प्रॉपर प्लेस के अंडर में लिखें। इवन व्हेन वी आर डूइंग सब्ट्रैक्शन और एडिशन तब भी हम वंस की प्लेस, वंस का जो डिजिट है वो वंस की जगह लिखेंगे, टेंस की जो डिजिट है वो टेंस की जगह लिखेंगे, देन इट विल बी ईजियर फॉर यू टू डू द कैलकुलेशंस ऑल्सो। सो हमें ये सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन अच्छे से आना चाहिए फॉर नोइंग द प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट्स। ओके डियर, सो कीप प्रैक्टिसिंग, डू द एक्सरसाइज एंड सी, रीड द लेसन फ्रॉम योर बुक एंड डू द एक्सरसाइज। ओके, थैंक यू, टेक केयर।